एवरीवन। और जो आज सब्सक्रिप्शन बॉक्स मुझे रिसीव हुआ है वो है द अडोर पैकेज का, और ये काफ़ी खूबसूरत सी पैकिंग में आया हुआ है। तो गाइज लेट स्टार्ट और देखते हैं वन बाय वन मुझे क्या रिसीव हुआ है। तो जैसे ही मैं ओपन करती हूँ तो कुछ मुझे सबसे पहले कार्ड नज़र आता है। तो दिस इज़ द कार्ड और इस पर मैंशन है समथिंग दिसंबर ब्यूटी बॉक्स क्रिसमस एडिशन, और इसके बैक साइड पे जो जो प्रोडक्ट्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं उसकी MRP और वो सब मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले फेशियल मास्क 200, आई मास्क 200, लिपस्टिक 240, लिप लाइनर 60, एक्टिवेटेड चारकोल सोप 250 एंड लिप स्क्रब 220। तो दीज ऑल आर द प्रोडक्ट्स जो इन्होंने इस बॉक्स में रखे हुए हैं। और जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है फ्रॉम द ब्रांड मॉन्ड्सब, ये है स्किन केयर फेशियल मास्क। सो कोलाजन सिल्क मास्क सीरीज़ का 100%, दिस इज फॉर एंटी रिंकल एंड मॉइस्चराइजिंग फेशियल मास्क है, ये 30 ग्राम का है। और इसके बैक साइड पे पूरा मेंशन किया हुआ है कि आपको इसे अप्लाई कैसे करना है, इसके बेनिफिट्स भी पीछे लिखे हुए हैं। और इसकी जो MRP है वो है 200 रुपीज़। तो दिस इज़ काफ़ी अच्छा है क्योंकि मुझे मास्क काफ़ी पसंद है, तो दिस इज़ काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट इन्होंने रखा है। तो सेकेंड प्रोडक्ट जो इन्होंने रखा है वो है मैट लिपस्टिक, और मैट लिपस्टिक मेरी फेवरेट है। तो दिस इज़ द मैट लिपस्टिक जो इन्होंने रखी है, 3.8 ग्राम में है। और इसकी यहाँ डिटेल पूरी दी हुई है इन्होंने, MRP वगैरह सब मेंशन किया हुआ है अभी क्लियरली। ये 225 इसकी MRP है, मैन्युफैक्चरिंग है 5/2017। और अभी मैं आपको ओपन करके इसे दिखाऊंगी। इसका कलर है किसेबल पिंक 401। दिस इज़ मैट लुक मैट लिपस्टिक और काफ़ी खूबसूरत सा मुझे ये कलर लगा, वेरी प्रिटी कलर। इसके ऊपर भी यही मेंशन है मैट लिपस्टिक इसकी, जो ये देखिए ओपन करने के बाद कितना प्रिटी कलर आ रहा है, वेरी वेरी नाइस कलर, और मुझे ये काफ़ी पसंद आया कलर। और मैट लिपस्टिक मेरी फेवरेट है, तो अगेन मतलब काफ़ी आई एम हैप्पी इसे देख के। अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत ये कलर है, ये देखिए इतना प्रिटी कलर आया है। सो दिस इज़ द सेकेंड प्रोडक्ट जो इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है, मैट लुक मैट लिपस्टिक। अब मूव ऑन करते हैं थर्ड प्रोडक्ट की ओर, जो कि है बाथ सूत्र का बाथ सॉल्ट जो है। तो दिस इज़ फ्रेंच ग्रीन क्ले फेस बॉडी सोप विद एक्टिवेटेड चारकोल लेवेंडर एंड टी ट्री ऑयल एसेंशियल ऑयल, सो हैंड क्राफ्टेड विद ग्लव्स। और पूरी डिटेल इन्होंने पीछे मेंशन की हुई है कि क्या क्या इसमें डाला हुआ है, कैस्टर ऑयल है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और इसकी एक्सपायरी है 7/18 और MRP है 250। तो दिस इज़ द सेकेंड प्रोडक्ट फ्रॉम बाथ सूत्रा, सॉरी थर्ड प्रोडक्ट। अब हम मूव करते हैं फोर्थ प्रोडक्ट की ओर, जो कि है बायो गोल्ड कोलाजन आई मास्क। आई थिंक काफ़ी अच्छा होता है मतलब आई मास्क, और मुझे काफ़ी पसंद भी है। तो दिस इज़ द रियली नाइस प्रोडक्ट। और इसकी भी बैक साइड पे आप देखेंगे अभी कि पूरी इन्होंने डिटेल दी हुई है कि इसको आपको कैसे यूज़ करना है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इसमें, तो वो सब है। एलो एक्सट्रैक्ट है, विक्टोरिया सी, विक्टोरिया ई समथिंग कुछ इन्होंने रखा हुआ है, और इसको कैसे आपको अप्लाई करना है सब। इसकी एक्सपायरी भी मेंशन है पीछे, 2020 है या समथिंग ऐसे ही पीछे मेंशन है पूरी। नेट है 25 ग्राम। आप अगला प्रोडक्ट जो है इनका है ऑर्गेनिक मिल्क का पेपरमेंट लिप स्क्रब। मतलब विंटर में यार मतलब लिप स्क्रब तो मस्ट है, और लास्ट भी मुझे उसमें मिला था लिप स्क्रब और जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो दिस इज़ पेपरमेंट लिप स्क्रब, आई होप ये भी अच्छा हो। तो दिस इज़ 30 ग्राम और पीछे पूरी आप डिटेल देख सकते हैं, इसमें काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, बहुत क्लियर नहीं होगा। तो पूरी डिटेल हैंड 100% समथिंग कुछ अच्छा, पैराबिन फ्री भी है ये समथिंग, पूरा डिटेल इन्होंने दी है। तो दिस इज़ द अगेन अच्छा प्रोडक्ट है। और लास्ट में इन्होंने लिप लाइनर रखा है जो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, ओके ठीक ठीक लगा मुझे ये इन्होंने रखा है। ये है गिमल स्टिक फॉर आईज़ एंड लिप, तो हाफ एंड हाफ ब्रांड का है ये, और नेट वेट है 1.8 ग्राम। बेस्ट यूज़ बिफोर 8/2019। तो गाइज दीज ऑल आर द प्रोडक्ट जो इन्होंने एडोर पैकेज ने इंक्लूड किए हैं और मुझे काफ़ी पसंद आए। तो अगेन मैं इन्हें बिग थम्स अप कहना चाहती हूँ, काफ़ी अच्छा इन्होंने सब्सक्रिप्शन बॉक्स से आकर के भेजा है। तो आई होप आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा,
और आई गाइस आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करना. सो गाइस टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.